अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो आज का सीन ये है कि मौसम बड़ा मजे का होगा, ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल आए हुए हैं, बारिश स्टार्ट नहीं हुई लेकिन। तो वी आर प्लानिंग कि यार ऐसे मौसम में ना, स्पेशली पेशावर में और यहाँ पे भी खुशबू आनी शुरू भी हो गई, जगह जगह लोग बारबेक्यू शुरू कर देते हैं, मौसम चाहे ईद हो चाहे ना हो, वैसे जनरली लोग ईदों पर बारबेक्यू यूज़ करते हैं। हाँ, पेशावर की खासियत यह है कि मौसम ठंडा होने की देर होती है, ठंडी हवा चलने की देर होती है और बारबेक्यू शुरू। सो वी आर प्लानिंग कि हम लोग भी बारबेक्यू करते हैं, एंड फॉर दैट हम लोगों ने जो है तो भाई गोश्त निकाल लिया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये चेक करें जी, बकरे की टांग जो है ना इस टाइम पे माइक्रोवेव में पड़ी हुई है और इसको हम लोग डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं। डिफ्रॉस्ट करने के बाद इसको काटते हैं, एक टांग से मुझे नहीं लगता हमारा काम होने लगे, तो और भी गोश्त निकालते हैं सारा काट कूट के मज़ेदार, उसको जो है तो हम लोग मसाला लगाएंगे। और मसाला वसाला लगाने के बाद फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, कोयले जो प्रॉपर प्रोसेस है सारा करेंगे, एंड द टांग इज डिफ्रॉस्टेड। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं, इसकी कटिंग करते हैं, इसको फिर मसाला लगा के थोड़ी देर रखते हैं। कोयले नहीं है भाई, कोयले लेके आने हैं, तो फिर मैं जाता हूँ जल्दी से जाके कोयले पकड़ता हूँ और फिर हम लोग प्यारा सा बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो आधा जो गोश्त है वो तो डिफ्रॉस्ट हो गया था, पहली टांग जिसके बारे में मैंने बताया तो उसको मैंने लगा दिया, और जो दूसरा है वो हम लोग थोड़ी देर में उसको भी डिफ्रॉस्ट करते हैं एंड और भी गोश्त को मसाला लगा लेते हैं, तो दो फेजेस में हो जाएगा एंड फिर जो है तो हम लोग जाके ऊपर इसको इंजॉय करेंगे। मैं अभी तक कोयले लेके नहीं आया, सो मैं निकल रहा हूँ कोयले लाने के लिए, एंड यहाँ पे ये गोश्त एंड साथ में लम लाठ भी बाज लोग इसे कहते हैं, और जो पठान है वो तो उसको लम के नाम से जानते हैं। सो लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बारबेक्यू सीन्स, तो लम भी हम लोगों ने निकाल के रेडी रखी है, ऐसे हम लोग बाकी इसको खाएंगे भी, और इससे जो है ना हम लोग बाकी टिक्कों को क्या कहते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग उसको ऑयलिंग भी करेंगे उससे इसकी, तो मैं आप लोगों को फिर आगे आगे दिखाता हूँ कि किस किस्म का बारबेक्यू हमारा चल रहा है। ओके जी, तो मैं कोयले लेने के लिए निकल पाऊँ और देखते हैं कि कोयले कहाँ पे मिलेंगे। वैसे हैदराबाद में फेज 3 के ब्रिज के नीचे एक पॉइंट है, वहाँ पर हर एक साल के 12 महीने कोयले आपको मिल जाते हैं, रिंग रोड से भी मिल जाते हैं। ईद के दिनों में तो आपको हर जगह से मिल जाते हैं, पर इन दिनों में थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ता है करीब कहाँ से मिले, बट आई एम प्लानिंग कि मैं सीधा फेज 3 चले जाऊँ और वहीं से ही डायरेक्ट कोयले उठाऊँ, क्योंकि इधर उधर फिरने से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि बस वहीं से चीज़ पिकअप करें। तो कोयले लेता हूँ एंड फिर बैक टू होम। तो कपड़े शपड़े बदल लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बारबेक्यू में तो स्मेल आनी थी कपड़ों में, तो मैंने कहा ज़रा चेंज कर लें कपड़े, ऐसा ना हो कि वो वाले कंधे हो जाए। एंड कोयला आ चुका है, ठीक है, ये आपका फुल ऑफ कोयला से। अभी मैं आप लोगों को एक निंजा टेक्निक बताता हूँ जिससे कोयला जल्दी जल जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की इसमें ज़रूरत है नहीं। और उसके लिए सिंपली क्या करना है, कुछ चंक्स ऑफ कोयला आपने उठा लेने और इस तरह से चूल्हे के ऊपर रख देने, और जैसे ही ये थोड़े से रेड हो जाए तो इनको आपने बेस में रखना है, हमारी कोयले ऊपर रखना है, इनको हवा चलनी है एंड ऐसे आपके सारे के सारे कोयले चल जाएंगे। सो इनको यहाँ से मैं पिक करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ एंड आपको आगे अपडेट देता हूँ। जी, तो हम आ गए छत पे, ठीक है, आपको मैं माहौल देखा हूँ, ये चेक करें ज़रा क्लाउड्स व्लाउड्स, ये बड़ा प्यारा क्लाउडी सा माहौल हुआ है। और आपको मैं ना और भी जल्दी कोयले लगाने की निंजा टेक्निक ये बता रहा था कि वो जो कोयले हमने लगाए थे उसको हमने रखा नीचे बेस में एंड उसके ऊपर हम जो है तो फ्रेश कोयले रखे और पंखा ऑन कर दिया, एंड आप देख सकते हैं विद इन सेकेंड्स आग लग गई है। अब इस पंखा को हम लोग कर देते हैं बंद एंड हमारे जो कोयले हैं वो मज़े के, ये देखें वो जल रहे हैं, थोड़ी देर उनको पकाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपना बारबेक्यू उसके ऊपर सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चेक करें जी, गोश्त के दोनों बॉल्स साथ लम चटनी रोटी वोटी सारा कुछ जो है ना रेडी पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है तो आग भी लगी हुई है, बस थोड़ी देर में कोयले रेड होते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग इस पर सीखे रखना स्टार्ट करेंगे। देखें जी, कोयला इज़ ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है, और प्यारी सी आग लगी हुई है, बस थोड़ी देर में आग बुझती है एंड देन हम लोग इसको फैलाते हैं, इसको छोटा छोटा करते हैं और इसके ऊपर अपने सीखे लगाना स्टार्ट करते हैं। मीन वाइल हम लोग ऐसा कर लेंगे कि सीखों में गोश्त रलना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, तो सीखों पर जो है ना गोश्त रलने का प्रोसेस स्टार्ट कर लिए और वहाँ पे कोयले भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए, तो बस ये सीखों में परोते हैं और अभी सीखें लगानी स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। बड़ा मज़े का गोश्त भी ना मसाले से नरम और टेंडर टेंडर हुआ हुआ है, तो बस जैसे ही सीखें रेडी होती हैं इसको कोयलों पे रखना स्टार्ट कर देते हैं। लगता है वो हो गया, बस इसको फैलाना है ये तो खराब हो जाएगा। ओके, सारा जल गया जी। तो सीखों की आपको मैं अपडेट देता हूँ,
कुछ कुछ हम लोगों ने सीखें लगा दी, पर क्योंकि कोयला तेज़ था तो कुछ जो है तो स्टार्ट में ज़रा जल्दी जल्दी पक गई, थोड़ी सख्त होंगी, इसलिए कभी मैंने कोयला थोड़ा हल्का हो गया तो मैंने छोड़ दिया, थोड़ा सा हल्का हो गया ना तो मैंने छोड़ दिया कि थोड़ा सा अंदर तक थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा जूसी मज़े के टेंडर हो जाए। और ये वन ऑफ माई फेवरेट एंड हर फेवरेट एज़ वेल चांपें भी लगाई हुई हैं हम लोगों ने, और जो बाकी जितनी भी सीखें वो भी लगी हुई हैं। ऑलमोस्ट ये जो पहला राउंड है वो रेडी भी है, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं कि अंदर तक नरम हो जाए, फिर इसको निकालते हैं। वेदर की अपडेट आपको देते चलो, ये ज़रा चेक करें, सामने प्यारे पहाड़, ये देखें जी प्यारे खूबसूरत हसीन पहाड़, वादियाँ, और हाँ आधे सब, एक तो सब लोगों ने सोलर लगा लिया ना, ये भी सोलर, ये भी पैनल्स, हर जगह सोलर पैनल्स, और प्यारा खूबसूरत मौसम है। कुछ देर पहले बारिश भी हुई है, हल्की हल्की टिप टिप बरसा पानी हुआ, एंड बस हमने कहा कि चलो यार इन्जॉय करते, तो बैक टू द सीखें, जाके चेक करता हूँ कि क्या अभी कितना पक गया है, कितनी रह गई हैं, एंड सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ होम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं लगाना और रखना भूल ही गया था, दैट्स दिस लम। अब इसके जो ऑयलिंग है ना, इससे हम बाकी सारे टिक्कों को ऑयल करेंगे, तो एक तो उनका फ्लेवर भी मज़े का हो जाएगा, नरम भी हो जाएंगे एंड मज़े के भी हो जाएंगे, एंड इसकी वजह से ना धुएँ भी सही उठना शुरू हो जाते हैं और प्यारी खुशबू आ रही है। तो जो फर्स्ट बैच ऑफ सीखे हैं वो रेडी है, बड़ा मज़े का टेंडर्स है, इसको खा के भी आपको मैं बताता हूँ कि कैसे पके हुए, दे आर लुकिंग सो डिलीशियस, खा के बताओ। ओके, इधर तो देखो ना, चटनी का ये डिबोया हमने, और ये देखिए जी, एक सेकंड, हाँ जी, खा के बताओ कैसा है, मजे का। तो ये हमारी चांपें भी रेडी है, like wow. चांप भी रेडी है, इसको भी निकालते हैं और बाकी और परोते हैं, इसको हॉट पॉट में डाल दो, बस ये हो जाए इनको। अच्छा, इस वाली को वापस रख दो, अच्छा ऐसा करो, एक सेकंड, अच्छा ये ले लो, ये लो, ये दे दो, इसको मैं वापस रख देता हूँ, ये नहीं जी, इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं, इस वाली को भी थोड़ा सा और पका लेते हैं, और बाकी को हम डाल लेते हैं हॉट पॉट में। हमने कहा यार पहले ये पक गए ना, ये जरा खा लें, जरा मज़े मज़े ले लें गरम गरम के, फिर और पका लेंगे साथ में। यहाँ से हम उठा रहे हैं फिर अपने मज़े के टेंडर, जूसी जूसी से तिक्के, क्रंची एंड जूसी, एंड यहाँ पे हम लगाएंगे चटनी, एंड ये गया भाई, मज़ा आ गया भाई, कसम से ये मौसम हो बारबेक्यू असिनो आउट क्लास जाए भाई, आप लोग को फारक बांटो, चिकन मिखा लगाओ, बारबेक्यू बनाओ, गोश्त करनी चिकन का बनाओ, चिकन करनी फिश का बनाओ, बारबेक्यू करो भाई, बहुत 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 मज़े का बनाओ, फैंटास्टिक। नमक कभी भी खाना, नमक थोड़ा सा खाना ऊपर डाल देते हैं वो भी। ओके जी, तो हाथ हाथ खड़े कर लिए हैं, और जो पहला बैच था वो हम लोग खा चुके हैं, और दूसरा बैच लगा लिया, इसके अंदर हम लोगों ने एक बड़ी सी ये हड्डी भी रखी है, जो कि हमें मतलब हमें खाली खाली टिक्कों से ना ज़्यादा ये जो बोन वाला मीट है वो ज़्यादा मज़े का लगता है, तो ये भी बना रहे हैं साथ में, जो है तो प्लेन टिक्के भी हैं, और इधर से लम्ब है जो कि इन सबको बार बार मज़े का लुब्रिकेट कर रहा है, इसके ऊपर अच्छा सा ऑयलिंग हो रही है, अच्छा सा इसका फ्लेवर आ रहा है, और इसके अलावा भी इन एडिशन टू दैट हम लोग यहाँ से ये ब्रश ऑयल भी लाए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम इसको भी ब्रश कर रहे हैं ताकि मज़े का एक फ्लेवर बना रहे, तो शाइनी मज़े के टेंडर। और ये वाला जो बैच है ना, ये पिछले वाले ज़्यादा मज़े का होगा, क्योंकि जो कोयला है वो बहुत ही हल्की आंच पे है, अब बहुत ही ज़्यादा लाइक यूज़ हो चुका है, हल्का सा लगा हुआ, साइड में मैं नए कोयले भी गर्म करूँ, लेकिन ये एक हल्की आँच पर पक रहा है, तो इंशाल्लाह ये बहुत नरम और बहुत मज़े के होने वाले हैं। तो भाई रेडी है ऑलमोस्ट ये वाला बैच भी, और बड़े मज़े का रेडी है, सही टेंडर्ड हुआ हुआ है, मैंने थोड़ा सा पीस चखा और सही नरम हुआ हुआ है, इसको भी निकाल के हॉट पॉट पे शिफ्ट करते हैं, और फिर जो है ना अपना जो हमारा लास्ट बैच है वो लगा देते हैं। मेरे बैच तो उसके इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो बहुत गर्म कोयले पर पका था, मैंने वेट किया नहीं कि थोड़ा कोयला ठंडा हो जाए, और उसकी वजह से ना वो बिल्कुल सख्त हो जाए,
पर ये जो है बहुत मज़े के अंदर हम टेंडर और जूसी बन रहे हैं। तो इसको भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते, और इसमें सारी चीज़ जो सारी गेम है वो टाइमिंग की है भाई, कि आप लोगों ने ना ख्याल करना है कि ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए। तो ओवर कुक करने ना करने से बचाने के लिए मैं उसको सभी निकालने लगा हूँ, चेक करता हूँ कि अगर पक गए हैं तो इनको निकालते हैं। बहुत जूसी जूसी किस्म के हैं, बहुत नरम नरम है, तो ये ट्राई करेंगे, इनको खाने का भी बड़ा मज़ा आएगा। और बाकी ये है कि मगरिब हो चुकी है, अंधेरा तकरीबन आ गया है, हल्की हल्की रोशनियाँ, तो मैंने लाइट्स वगैरह ऑन कर ली हैं, एंड जो बारबेक्यू है दैट स्टिल ऑन एंड आई एम एंजॉयिंग, वी आर एंजॉयिंग, सीन ऑन है जी। तो रेडी हो गए और जो है तो खाने के लिए ना हम लोग आ चुके हैं इसको, और ये जो देखे हैं ना ये मज़े के टेंडर डोए में, आपको मैं खाली ये दिखाना चाह रहा था कि अब जब स्लो बनाया ना तो कितने वो सॉफ्ट हैं, ये देखें ज़रा चेक करें, ये देखो ज़रा बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर जूसी और मज़े के। तो अब इसको हम लोग चटनी में डिप कर करके और बस खाएँगे। मज़े की चीज़ थी जो, एक और चीज़ भी रेडी हुई, ये चेक करो, फुल टांग प्यारी यमी, उस तरफ करो इसको भी ना थोड़ा सा, ये चेक करो बिल्कुल टेंडर मज़े की, और इसका जो चक मारा ही होने वाली है, हाँ इसका फ्लेवर ही अलग है, बस टिक दे जगह जाते हैं उधर से कर रहे हैं। हमारा बारबेक्यू तकरीबन ओके हो गया और हम बैठ गए खाने के लिए भाई, हम बारबेक्यू खा रहे हैं, आप लोगों के मुँह में पानी आया, मैं इन्वाइट कर नहीं रहा, खुद ही जाओ, खुद ही पकाओ, खुद ही खाओ, मेहनत करो। मैंने आप लोगों से थोड़ा बहुत रेसिपी चीज़ें शेयर कर ली हैं, आप लोग भी ट्राई करें, तब तक मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और फिर नेक्स्ट किसी अच्छे और मज़े के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। तब तक के लिए सिया, अल्लाह हाफिज़।